नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। ये न्यू होलैंड कंपनी का एक्सेल सीरीज का 60-10 ट्रैक्टर है स्काई वॉच के साथ में। आज इस वीडियो के अंदर मैं इस ट्रैक्टर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताऊंगा अभी आपको और दिखाऊंगा भी। जैसा कि हम बात करें इस ट्रैक्टर की, ये 60 HP का ट्रैक्टर है और 2931 CC का इसका इंजन दिया गया ट्रैक्टर कंपनी का, और इंजन है इस ट्रैक्टर का और बोर है 104 के बोर में और 115 के स्ट्रोक के साथ में ट्रैक्टर आता है। और जो इसका गेयर बॉक्स की बात करें हम, तो सिंक्रोमैस गेयर बॉक्स के साथ में 12+12 के गेयर बॉक्स के साथ में है और पावर शटल के साथ में भी आता है, जो कि बिना क्लच दबाए आप गियर को चेंज कर सकते हो। अगला रिवर्स और फॉरवर्ड कोई भी गियर यूज कर सकते हो, वो शटल शिफ्ट के साथ, पावर शटल के साथ में भी आता है इस सीरीज के अंदर ट्रैक्टर ये। और अपना जो अगर हम इसके और ट्रिबो के साथ में ट्रैक्टर है, अगर हम जो रोटरी पंप के साथ में ट्रैक्टर आता है न्यू होलैंड 60-10 एक्सेल सीरीज का। और अगर हम इसकी लिफ्ट की बात करें तो 2400 kg की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में ये ट्रैक्टर है, 2400 के साथ में न्यू होलैंड ट्रैक्टर। और जो अगर PTO की बात करें तो 540 रिवर्स PTO, इकोनॉमिक PTO साथ में ट्रैक्टर आता है और डबल क्लच के साथ में ट्रैक्टर है, जो कि 12 इंच के साथ में उसकी क्लच प्लेट है और 5 पैड के साथ में है और इंटरकूलर के साथ में ट्रैक्टर आता है स्काई वॉच के साथ में। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो ट्रैक्टर के बारे में दिखाऊँ आपको, ये 60 HP का ट्रैक्टर है न्यू होलैंड 60-10 XL। अगर इसका बोनट खुला तो ज़रूर ये खुल गया। ये अपना ड्राई एयर क्लीनर के साथ में इसका है, ये ड्राई एयर क्लीनर के साथ में आता है। बैटरी बॉक्स आगे रखा गया है, ट्रैक्टर का पूरा वेट बैलेंस किया गया है और आगे 3-4 प्लेटें दी गई हैं वेट की, जो कि एक प्लेट 30 kg की एक प्लेट है, ये काफ़ी हैवी। और आगे ये एक और बम्पर दिया है, काफ़ी हैवी। ट्रैक्टर का पूरा वेट बैलेंस किया गया है और काफ़ी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में ट्रैक्टर आता है, जो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी है इस ट्रैक्टर का। जो फ्रंट एक्सल है वो एडजस्टेबल के साथ में है। अगर हम ये यहाँ पे इंटरकूलर भी दिया है और टर्बो के साथ में ट्रैक्टर है, इधर अपना टर्बो, ये टर्बो लगी हुई है, आप टर्बो का भी देख सकते हो कौन सा क्या नंबर वगैरह आप देखो अगर समझ में आए तो। इंटरकूलर के साथ में, टर्बो के साथ में ट्रैक्टर 60 HP के टैगरी में, 60 HP का ये ट्रैक्टर है पूरा। और जो इसका फ्रंट टायर है अपना, वो 7.5016 के टायर के साथ में आता है ट्रैक्टर। और अगर इस इधर से हम आपको पंप दिखाएं, देखें तो ये रोटरी पंप के साथ में है, ये रहा बोस कंपनी का रोटरी पंप दिया गया इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो बोस कंपनी का रोटरी पंप के साथ में है ये ट्रैक्टर अपना। काफ़ी थोड़ा सा कंजस्टेड सा है, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है पूरा ये 60 HP का। इधर अपना हाइड्रोलिक पंप और ये अपना पावर स्टीयरिंग पंप वगैरह है, ये अपना हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर के साथ में, वाटर सेपरेटर के साथ में। और इसमें ऑप्शनल 100 लीटर डीजल टैंक का भी आता है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और ये साइलेंसर सिंगल बोनट के साथ में, स्काई वॉच के साथ में ट्रैक्टर है, जो कि पूरी ट्रैक्टर की हर चीज़ का अपडेट आपके मोबाइल पे आपके पास ऐप के द्वारा पहुंच जाएगा। इधर इसकी ट्रैक्टर स्पेसिफिकेशन दी गई, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। और अगर हम इसके ट्रैक्टर की प्लेटफॉर्म की बात करें, इधर चढ़ने के लिए बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म के साथ में, सस्पेंडेड पैडल के साथ में ट्रैक्टर दिया जाता है, ये ट्रैक्टर, जो कि हीट गार्ड भी दिया है कंपनी ने, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा देर तक काम कर सके और सेफ्टी के मामले में इंश्योर्ड, कम्फर्ट के मामले में इंश्योर्ड है ट्रैक्टर। ये सिंगल गियर लीवर क्लच, गियर क्लच, और इधर अपना ये PTO क्लच, इधर अपना पार्किंग, ये अपना फॉर PTO के लिए, उधर अपना वो PTO ऑप्शन, इकोनॉमिक PTO चलाने आपको या पावर 540 चक्कर रखने हैं। ये अपना हाई लो मीडियम के साथ में 12+12 शटल शिफ्टिंग गियर बॉक्स के साथ में आता है, ये पावर शटल में भी ले सकते हो, जो कि क्लच बिना क्लच दबाए आप फ्रंट, फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए आप ट्रैक्टर चला सकते हो। इधर अपना सीट है, एडजस्टेबल सीट है, काफ़ी चौड़ी सीट है, ताकि आप आराम से बैठ सको इस सीट पर, ट्रैक्टर को आराम से ड्राइव कर सको ज़्यादा ज़्यादा देर तक। अगर हम इसके मीटर की बात करें तो ये 2900 RPM के साथ में इसका मीटर दिया है, डिजिटल मीटर के साथ में है। आपके ट्रैक्टर में कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपको यहाँ पे इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे आपके यहाँ पे। ये अपना हाथ की रेस के साथ में, ये अपना गियर लीवर, 4 गियर लीवर के साथ में, और ये ऑयल में डूबे हुए ब्रेक के साथ में ट्रैक्टर आता है, सस्पेंडेड पैडल के साथ में ट्रैक्टर है पूरा। अगर हम इधर अपना लिफ्ट सेंसिंग ऑप्शन, ड्राफ्ट और डेप्थ कर डिसाइड करने, लिफ्ट ऑटोमेटिक लॉक के साथ में ट्रैक्टर आता है। और हाइड्रोलिक कोई भी इंप्लीमेंट वगैरह यूज़ करने के लिए कंपनी ने अलग से लीवर दिया है, जो कि आप कोई भी इंप्लीमेंट वगैरह यूज़ करना चाहते हो हाइड्रोलिक, तो उसके लिए आपको मेन लिफ्ट लीवर छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और इधर से अपना ये आप देख सकते हो, ये लिफ्ट जो है 2400 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है इसकी, और ये अपने सेंसिंग लिफ्ट, सेंसिंग 24 प्रकार की लिफ्ट सेंस के साथ में आता है, और साथ में डिफरेंशियल लॉक भी है ट्रैक्टर के अंदर, ये ट्रैक्टर डिफरेंशियल लॉक के साथ में है, ये डिफरेंशियल लॉक के साथ में ट्रैक्टर, ये डिफरेंशियल लॉक दिया है यहाँ पे साथ में। और जो बैक टायर इसका 16.928 के टायर के साथ में आता है ट्रैक्टर, काफ़ी हैवी ड्यूटी के लिए 60 HP ट्रैक्टर बनाया है ये। और ये अपना बैक आप देख सकते हो, जो लिफ्ट स्ट्रो बार वगैरह और
टॉप लिंक, ये इधर अपना टॉप लिंक 2400 के जी की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में ट्रैक्टर है। हाइड्रोलिक सिलेंडर नहीं दिया भाई इसके अंदर, सॉरी दोस्तों हाइड्रोलिक सिलेंडर नहीं दिया, ये 2400 HP हाइड्रोलिक सिलेंडर के साथ में 2400 की लिफ्ट कैपेसिटी इसकी। और ये डबल क्विक रिलीज वॉल्व दिए हैं जो कि आप दो इनको दो कोई भी इंप्लीमेंट यूज कर सकते हो, एग्रीकल्चर कोई भी इंप्लीमेंट। इधर अपना टूल बॉक्स भी दिया है बोटल होल्डर के साथ में, रिफ्लेक्टर के साथ में, और EPI प्लेंट्री बैक एक्सल जो है प्लेंट्री साइकिल प्लेंट्री बैक एक्सल के साथ में है, पूरा ऑयल में डूबा हुआ एपिक साइकिल के साथ में का पूरा बैक एक्सल है अपना न्यू हॉलैंड 3630 ट्रैक्टर है रोटरी पंप के साथ में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो और जो इसका प्राइस है वो प्राइस 8 लाख, जैसे कि हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 8,70,000 रुपये का प्राइस रखा गया है। ये कम शोरूम प्राइस है तो इसका 8,70,000 रुपये प्राइस रखा गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।